नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज संस्कृत शिक्षण के प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर चलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोगों की कल संस्कृत शिक्षण की क्लास चली थी जिसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आज भी उसी तरीके से अपने संस्कृत शिक्षण में अपनी उपयोगिता बनाए रखिएगा और उसी तरीके से एकदम प्रश्नों को सॉल्व करिएगा जिस तरीके से आप लोग अपने संस्कृत शिक्षण को एकदम अच्छे से करते आए हैं। तो जल्दी से क्या करिए, शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से अपने ग्रुपों में, और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं, एक बार फिर शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। रात की क्लास जो आप लोगों की गणित शिक्षण की चली थी उसमें नोटिफिकेशन नहीं लग पाया था, इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे, नोटिफिकेशन नेटवर्क प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं हो पाया। लेकिन आज आप लोगों के चलेंगे CDP के, रात 9 बजे CDP की क्लास चलेंगी। आप लोगों को 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी मॉडल पेपर आए हैं उन सबको करा दिया जाएगा। लगभग 30 प्रश्न वहाँ पे चलेंगे। तो पहले हम लोग संस्कृत शिक्षण के आज कर लेते हैं पहले आपकी क्लास में, फिर इसके बाद रात की क्लास में वहाँ पे CDP के प्रश्न करेंगे। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जी शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, एकदम गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम प्रश्नों को एकदम अच्छे से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है पहला, कि भाषा अधिगमन समय त्रुटियाँ, यानी भाषा सीखने के समय जो त्रुटियाँ होती हैं वो कैसी होती है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है कि बालकों के जो त्रुटियाँ होती उससे संबंधित नहीं कहा है, यहाँ पर भाषा अधिगम की त्रुटियों की बात किया है, बालकों से संबंधित नहीं। याद रखिएगा ये बालकों से संबंधित नहीं है, यानी भाषा अधिगम यानी बालक भी सीख सकता है, शिक्षक भी सीख सकता है। तो आप यहाँ पर किसको महत्व देंगे, देखिए पहला क्या कर रहा है हमारा, छात्रेभ्य अनिष्ट चाप ददाति। दूसरा कह रहा है कि अधिगम सहायम कुर्वन्ति, यानी अधिगम में सहायक है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि अधिगमे बाधा भवन्ति। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थी नाम उपरी संशोधन कार्य यहाँ पे वर्धनान्ति, यानी शिक्षार्थियों के जो संशोधन कार्य हैं उसको दूर करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में त्रुटियाँ हैं। और यहाँ पे कह रहा है अधिगम, यहाँ पे कह रहा है कि सहाय से कुर्वन्ति, यानी अधिगम को सही ठहराता है। और यहाँ पे कह रहा है कि छात्रेभ्य अनिष्ट चाप, यानी छात्रों के लिए सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा है कि बालकों के सीखने में त्रुटियां करने की, या यहाँ पे बात ये नहीं कहा, यहाँ पे कहा है कि भाषा अधिगम समय यानी भाषा के सीखने के समय त्रुटियां कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो इसका राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा नहीं होगा, इसके साथ ही जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि अधिगमे बाधा उत्पन्न, अगर आप भाषा ठीक से नहीं सीख पाते हैं ठीक है, तो आपकी त्रुटियाँ जो हैं प्रबल रहेंगी, आप ठीक से सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भाषा अधिगम में भाषागत त्रुटियाँ जो होती हैं बाधा उत्पन्न करती हैं। याद रखिएगा बड़ी बड़ी सूझबूझ से भाषा का प्रयोग, याद रखिएगा बड़ी सूझबूझ से भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए शब्दों का अधिकतम आवश्यक होता है, शब्द ज्ञान आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, दूसरा हमारा गलत होगा। यहाँ पे करा अधिगम सहायक कुर्वन्ति, यानी अधिगम में सहायता करती है नहीं, यहाँ पे भाषा की बात किया है, यहाँ पे सीखने की बात नहीं किया है, यहाँ पे भाषा अधिगम की बात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। प्रश्न पढ़िए फिर इसके बाद ऑप्शन देखिए ठीक है। यहाँ पे अधिगम करते समय त्रुटियां नहीं कहा, यहाँ पे कहा है भाषा अधिगम के लिए, तो इसका राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बात करेंगे दूसरे प्रश्न से जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि भाषा दक्षता कृते अधोलिखित कस्य महत्व सर्वाधिक, यानी कह रहा है कि भाषा दक्षता में कौन सा अधोलिखित कस्य महत्व सर्वाधिक है, यानी किसका सबसे अधिक महत्व यहाँ पे रखता है भाषा दक्षता में। तो पहला कह रहा है कि न्यून मूल्य शिक्षण सहायक ग्रामीण, यहाँ पे कह रहा है कि क्रीड़ा प्रयोग, यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि शुद्ध उच्चारण सहवाचनम, और तीसरा कह रहा है कि सुंदर हस्तक्षेप और अभ्यास लेखनम, और चौथा कह रहा है कि शुद्धता धारा प्रवाह च विकास है। यहाँ पे कह रहा है देखिए क्या कहा है कि भाषा दक्षता के लिए क्या उपयुक्त सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण है, तो यानी भाषा में दक्षता के लिए बात किया है। तो पहला कह रहा है कि न्यून यानी कम शिक्षण के लिए, दूसरा कह रहा है कि शुद्ध उच्चारण के होने से, और यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है कि सुंदर लिखने से आपका जो भाषा दक्षता है उसमें आप सर्वाधिक महत्व निभाता है, और यहाँ पे हमारा चौथा क्या कह रहा है जरा देख लीजिए, जी चौथा कह रहा है कि शुद्धता धारा प्रवाह, यानी शुद्ध एकदम धारा प्रवाह के साथ पढ़ना। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो जाएगा हमारा देख लीजिए, इसका राइट आंसर करेक्ट जो होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा, याद रखिएगा दूसरा होगा शुद्ध उच्चारण सहवाचन, यानी शुद्ध उच्चारण करना, भाषा में आप क्या करते हैं शुद्ध उच्चारण ही तो करते हैं, जी राइट आंसर यहाँ पे दूसरा जाएगा। जितने लोगों का दूसरा एकदम राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोगों के बैक टू बैक एकदम रात में आप लोगों के 30 प्रश्न चलेंगे 2011 से लेके 2019 तक जितने भी प्रश्न CDP के आए हैं चलेंगे, याद रखिएगा।
जी इसका राइट आंसर देखिए, भाषा दक्षता के लिए शुद्ध उच्चारण के साथ साथ वाचन का सर्वाधिक महत्व होता है। यहाँ पे कहा भाषा दक्षता कृतन यानी के साथ अधोलिखित कस्य महत्व सर्वाधिक, यानी भाषा उच्चारण के दक्षता के लिए उसके साथ क्या महत्व होता है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शुद्ध उच्चारण सह वाचन, यानी शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए दो भी त्रुटियां हो रही हैं, यहाँ पे संस्कृत है इसमें त्रुटियां हो रही हैं, तो उस वाणियों पर ध्यान न देकर आप क्या करिए, प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और हम उसे हिंदी में आप लोगों को बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक भाषा लिपि वर्तने इति उपयुक्त, कह रहा है कि प्रत्येक भाषा लिपि लिपि में होती है। पहला कह रहा है कि असंत असत्य यानी एकदम असत्य है, दूसरा कह रहा है कि असत्य है, तीसरा कह रहा है सत्य है, चौथा कह रहा है कि एकदम सत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एकदम असत्य है, यहाँ पे कह रहा है कि असत्य है, तीसरा कह रहा है कि सत्य है, चौथा कह रहा है कि एकदम असत्य है, एकदम सत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे सत्य नहीं है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए तीसरे का। तो जी यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक भाषा लिपि वर्तन यानी प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा जी, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यह उक्त सत्य है, हिंदी की अपनी देवनागरिक लिपि है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, एक लिपि होती है। तो राइट आंसर तीसरा जाएगा, इसी पे एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, ठीक है, और शेयर तो कर ही देते हैं, फिर भी शेयर कर दीजिए थोड़ा सा टाइम लेके और भी लोग आ जाए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि शिक्षिका छात्रेभ्य कस्याचित घटनाया विवरण कुरुवन, यहाँ पे कह रहा है कि कुरतु निर्देशांति यथा यथा यस्याम ते आनंद प्राप्तवंतम उत्साह, यहाँ पे कह रहा है कि उत्साहम अथवा आश्चर्यम अनुभूतम तस्य कृते स छात्र संग्रेतान ददाति यथा केन सह कदा घटती। यहाँ पे देखिए डैश है, यहाँ पे डैश है, इसकी यानी रिक्त स्थान है, ठीक है, डैश है, फिर इसके बाद आगे है कि घटा इत्यादि एवं शाह प्रयत्न करोति, यानी आप क्या प्रयत्न करेंगे। देखिए क्या कहा है, करा कि शिक्षिका छात्रों से किसी घटना का चित्रण करने को कहती है, यानी घटना का वर्णन यानी चित्रण करने के लिए कहती है, ठीक है। फिर इसके बाद उसे आनंद प्राप्त हुआ, ठीक है, जिससे उसे आनंद प्राप्त हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद कर रही है यहाँ पे देखिए उत्साह, कहाँ यहाँ पे देखिए क्या करा है कि उत्साह अथवा आश्चर्य अनुभूति, यहाँ पे कर उत्साह अथवा आश्चर्य की अनुभूति हुई। फिर कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ददाति ए, यहाँ पे केन सह घटना इत्यादि तनु प्रयत्न, मतलब कह रहा है कि इसके कार्य में शिक्षिका छात्रों को कुछ संकेत देती है, ठीक है, वो कैसा संकेत है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि लेखन लेखन विकास आए, दूसरा कह रहा है कि छात्राम स्मृति वर्धनाम, और तीसरा कह रहा है कि सृजनात्मक लेखनम विकास, और चौथा कह रहा है कि सुंदर हस्तक्षेप विराक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, एक शिक्षिका है छात्र से किसी घटना के चित्रों के वर्णन करने के लिए कहती है, इसमें आनंद प्राप्ति हुआ, जिसमें उसे आनंद प्राप्त होता है, तो उत्साह अथवा आश्चर्य की अनुभूति होती है, यानी दोनों होता है, याद रखिएगा, उत्साह भी मिलता है आश्चर्य भी होता है, ठीक है। तो इसमें उसके इस कार्य के शिक्षिका छात्रों को किस तरफ संकेत करती है, तो लेखने के लिए, छात्राभ्याम स्मृति वर्धन के लिए यानी उसकी स्मृति के लिए, यहाँ पे सृजनात्मकता नए कार्य करने के लिए, सुंदर लिखने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, चौथे का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा स्मृति, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, स्मृति वर्धन होता है, क्योंकि घटना कब हुई घटित हुई ये सभी क्या है, उसको याद करना है, उत्साह कब किसमें आपको आनंद की प्राप्ति हुई, किसमें आपको सोचना है विचारना, ये उसकी स्मृति पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा सृजनात्मकता न होकर जाएगा किसके साथ जाएगा, देखिए इसमें उसे घटना का वर्णन करने के लिए कहता है, तो वहां पे नए कार्य तो कर नहीं सकती, अपने आधार यानी स्मृति आधार पे ही प्रश्नों को बताने का प्रयास करेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है जी। पांचवा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, देखिए क्या कर रहा है, भाषा शिक्षण नैदानिक परीक्षा उद्देश्य अस्ति, यह कह रहा है कि भाषा शिक्षण के नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य अस्ति क्या है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थ, यहाँ पे शिक्षानाथ बोधे अभाव ज्ञान ज्ञातुम, दूसरा कह रहा है कि अभिभावक केन प्रतिपुष्टि प्रदान, यहाँ पे प्रदान तुम, यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि छात्राम गति विवरण पत्रम कराएगा पूरी तुम, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि अंतिम मूल्यांकन कृत प्रश्न पत्र निर्माण योजना च कृतम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जी, जल्दी से बताइए, भाषा शिक्षण के नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि शिक्षा के बोधन यानी शिक्षार्थियों का बोधन यानी अभाव करने के लिए उनकी कमियों को, दूसरा कह रहा है कि अभिभावकों की प्रतिपुष्टि के लिए, तीसरा कह रहा है कि छात्रों की गतिविधि, यहाँ पे गतिविधि वितरण पत्रण जुटाने के लिए, चौथा कह रहा है कि अति मूल्यम संघ, यहाँ पे कह रहा है कि मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पत्र निर्माण योजना। तो इसका राइट आंसर जो पांचवें का जाएगा हमारे यहाँ पे,
जी पहले के साथ जाएगा यहाँ पे, किसके साथ जाएगा यहाँ पे, बोधनम अभाव। ठीक है, इसमें देखिए भाषा शिक्षण के नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों के प्रबोधन का अभाव की जानकारी करना होता है। देखिए जब भी आप नैदानिक का प्रयोग करेंगे, जब भी मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे तो उसकी कमियां क्या है उसको जानने के लिए करेंगे। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जी यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न बहुत अच्छा है कि भाषा विकास से अधोलिखित कस्य महत्व सर्वाधिक, कह रहा है कि भाषा विकास के लिए कौन सा कथन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला कह रहा है कि पठन, यहाँ पे कह रहा है कि पठन पाठन सहकार, यहाँ पे सहकारी ग्रामीण अधिकार अधिक से अधिक प्रयोग करना। दूसरा कह रहा है कि मूल्यांकन कृत्य विभिन्न साधन कौशल, यानी मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का कौशल का विकास करना, प्रयोग करना। और तीसरा कह रहा है कि पाठगम, यहाँ पे कह रहा है कि पाठ गतनाम अभ्यास कराने में, नहीं करेगा पाठों को अभ्यास कराने की समाप्ति की बात करना चाहिए मूल्यांकन। और यहाँ पे चौथा कराए कि शिक्षार्थी परस्पर वादान प्रदान, यानी आदान प्रदान अधिकाधिक अवसर, यानी शिक्षार्थियों को अपने बातों को रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, बातों को आदान प्रदान करने के अवसर देना चाहिए, बातचीत करने के अवसर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। लाइक तो बनता है, जितने लोग कम से कम उतने ही लोग तो लाइक कर दीजिए, अपनी संख्या के बराबर ही लाइक कर दीजिए सभी लोग। जी छठे का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, जी जल्दी से बताइए इसका। जी भाषा के विकास में सर्वाधिक महत्व है किसका है, जल्दी से बताइए यहाँ पे। तो जी एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट आप लोगों का एकदम आंसर है। यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, अवसर प्रदान जितना करेंगे बालकों को उतना ही अच्छे से सीखेगा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे, आशा करते हैं ये प्रश्न तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि देखिए कमलेश जी कहते हैं कि हमारा तो पूरा एकदम गलत ही होता है, गलत नहीं होगा, बस प्रश्न को अच्छे से समझिए, बस संस्कृत नहीं आते तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको हिंदी के माध्यम से पढ़िए, देखिए आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम हिंदी में ही इसको पढ़ रहे हैं कि विद्यार्थी भाषा अधिगम को अधोलिखित, मतलब इनमें से कौन से प्रभावितम, यानी कौन सा प्रभावी है अधिक, यहाँ पे कह रहा कि विद्यार्थियों के भाषा अधिगम के लिए कौन सा सबसे अधिक प्रभावी हो सकता है, ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ ही सकते हैं आप। तो सातवां कह रहा है हमारा देखिए कि विद्या, यहाँ पे विद्यार्थी न भाषा अधिगम कृत्य अधोलिखित कथम, यहाँ पे कह रहा है कथम कथम प्रभावित्वा अधिगम नम अधिकम च, यहाँ पे कह रहा है समर्थयति। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे, छात्रों के भाषा अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी पद्धति कौन सी होगी। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे, तो पहला करा है कि पुनः पुनः परीक्षा, दूसरा करा है कि सहयोगात्मक, यहाँ पे करा है सहयोगपूर्ण क्रियाकलाप, और यहाँ पे तीसरा करा है कि व्यक्तिगत वार्ता, यहाँ पे करा है कि व्यक्तिगत लेखनम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, सातवें का देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा प्रश्न आपके सामने ही है। जी जल्दी से इसका बताइए, तो जी यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग कहेंगे कितने लोगों का ये गलत आ रहा होगा, लेकिन यही राइट आंसर होगा। पहला ही पुनः पुनः परीक्षा, यहाँ पे परीक्षा या पुनः पुनः परीक्षा का मतलब ये नहीं, पुनः पुनः मतलब पढ़ाने के बाद तुरंत ही क्या करें, उनका मूल्यांकन कर लें बालकों की, उनकी कठिनाई को जान लें। ठीक है, यहाँ पे सहयोग क्रियाकलाप नहीं होगा, क्या बालक अपने यही भाषा का विकास कर लेंगे क्या, नहीं, ये शिक्षक के द्वारा होगा, तो ये तो गलत है। व्यक्तिगत यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे व्यक्तिगत लेखन से नहीं होगा, यहाँ पे भाषा विकास की बात किया है, भाषा अधिगम की बात किया है, तो इसका जाएगा पुनः पुनः परीक्षायाम। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा इसका। ठीक है, देखिए क्या होता है कि छात्रों के भाषा अधिगम जो होता है सर्वाधिक प्रभावी पद्धति, बार बार उनकी परीक्षा लेना है। ठीक है, इससे उनमें अपने पाठ विषय के प्रति क्या होता है कि बराबर लगन बनी रहती है, और समवयस्क अध्ययन यानी सम्यक अध्ययन होता रहता है, यानी उनके जो कार्य हैं वो करते रहते हैं हमेशा। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पे है कि अति संवर्धक कक्षा नियंत्रण नियंत्रित तुम अध्यस्त मार्गेषु कस्य महत्व न्यूनतम अस्ति। देखिए क्या कहा है, कहा है यहाँ पे देखिए, जी यहाँ पे कहा है कपित उपाध्याय पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा है कि अति संवर्धक कक्षा जो है उसके नियंत्रण के लिए आप क्या मार्ग, यानी कौन सा एकदम न्यूनतम यानी कम महत्व रखता है। तो पहला कह रहा है कि विभिन्न नाम अधिगम शैली उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार के अधिगम शैलियों का प्रयोग करना। दूसरा कह रहा है कि छात्रवे समूह कार्य युगल कार्य से प्रदान, छात्रों को समूह कार्य में करने के लिए प्रदान करें अवसर। यहाँ पे तीसरा कह रहा है स्वयं पाठ अध्ययनस्थ कृत्य अभ्यासम निर्देश, यानी स्वयं पाठ करने के लिए उन्हें क्या करें, छात्रों को प्रोत्साहित एवं निर्देश दें स्वयं से कार्य को करने के लिए। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि छात्रवे सार्थकम प्रमाणिकम च कार्य योजना, यानी छात्रों को सार्थक बनाए प्रमाणिक कार्यों की योजना के लिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तो आप देख ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये मनोविज्ञान में भी आप पढ़ चुके हैं इसे।
बस उसको यहाँ पे संस्कृत में कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर तो आपके सामने ही है, जल्दी से इसका बता दीजिए। तो जी एकदम जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, बिना किसी कहे के विभिन्न अधिगम शैली का उपयोग शिक्षक करेगा, लेकिन यहाँ पे अति संवर्धन कक्षा यहाँ पे कह रहा है कि अर्धस्थ नेतु कस्य महत्व न्यूनतम अस्थि यानी सबसे कम है, तो ये भी है ये भी है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, स्वयं पाठ का अध्ययन कृति होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे कह रहा है कि सारकथम एकम एकम, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जो सारकथम है इसका मतलब क्या है, जल्दी से इसका कमेंट करिए। तो जी जल्दी से बताइए इसका नौवे का राइट आंसर क्या होगा, सारकथम एकतम यानी लेखनांत कार्यम, पठन पूर्वक कार्यम, और यहाँ पे कह रहा है कि पठनांत कार्यम और लेखनम कार्यम, तो यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी जी यहाँ पे क्या कहा है जरा से इसका देख लीजिए, यहाँ पे सार कथनम यानी कहा है कि सार का कथन यानी किससे संबंधित है। ठीक है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए। जी इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे नौवे का जो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, पठनम यानी पठने के उपरांत। ठीक है यहाँ पे देखिए कपिठय याद रखिएगा, जो कपिपय होता है कतिपय होता है, यहाँ पे प्रतिपदान पढ़ने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी लिखना, ये सार कथन का भाग होता है, यानी यहाँ पे टिप्पणी लिखने की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दसवें प्रश्न पे, ये थोड़ा कन्फ्यूजन प्रश्न था लेकिन उसका आंसर वही होगा। यहाँ पे देखिए दसवां बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये तीन बार आया है। ठीक है कि शालिनी एकस्य पुस्तकम प्रक्षेत्र दृष्टम निरीक्षति एवं शाह की करोति, कह रहा कि शालिनी एक पुस्तक को पढ़ती है, दृष्टम करती है, याद रखिएगा शालिनी एक यहाँ पे पृष्ठ के पुस्तक के पृष्ठ पर अपनी दृष्टि गंभीरता से रखती है, आप क्या करेंगे, पहला वो क्या कर रही है, पहला कह रहा कि चित्राम अवलोकन करोति, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, शालिनी एक मतलब एक पुस्तक को पृष्ठम यानी पृष्ठ को यहाँ पे दृष्टि मतलब देखती है, निरीक्षित माने एकदम अच्छे से देखती है, सा एक किम करोति मतलब शालिनी एक पाठ के पुस्तक के एक भाग को देखती है, आप क्या वो क्या कर रही है, पहला कह रहा है कि चित्रम अवलोकन करती है यानी चित्रों का अवलोकन कर रही है, दूसरा गंभीरता अध्ययन कर रही है, गंभीर पूर्वक अध्ययन कर रही है, तीसरा कह रहा है पर्यालोचन करोति यानी वो पर्याय उसको ढूंढ रही है कि, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विशेष सूचना अन्वेषण करोति यानी विशेष रूप से एक अन्वेषण की खोज कर रही है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए दसवें का। तो जी इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे क्या, गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर रही है, याद रखिएगा शालिनी एक पुस्तक के पृष्ठ के पर अपनी दृष्टि गंभीरता पूर्वक रखती है, तो इसका आशय यह है कि वो गंभीरता पूर्वक क्या कर रही है, पढ़ रही है, उसके हर एक वर्ड को समझ रही है, अर्थ को समझते हुए पढ़ते हुए आगे चल रही है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि रचनात्मक वादस्य सिद्धांत च भाषा शिक्षार्थी वर्धन, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, रचनात्मक सिद्धांत यह है कि क्या है भैया जल्दी से बताइए, भाषा यहाँ पे कह रहा है कि रचनात्मक वाद सिद्धांत यह है कि भाषा से यहाँ पे शिक्षार्थी, ठीक है यहाँ पे भाषा शिक्षार्थी वर्तते शिक्षार्थी ज्ञान का क्या करते हैं, तो कह रहा है कि रचनात्मक वाद सिद्धांत च शिक्षार्थी वर्दी, तो जल्दी से कमेंट करिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। जी पहला कह रहा है ज्ञान से पुनः प्रस्तुति करता यानी ज्ञान की पुनः प्रस्तुति कर रहा है, दूसरा ज्ञान से ग्रहण करता यानी ज्ञान की ग्रहण कर रहा है, तीसरा कह रहा है ज्ञान से निर्माण यानी ज्ञान का निर्माण कर रहा है, चौथा कह रहा है कि शिक्षक से अनुसरण करता, मतलब देखिए क्या कहा है प्रश्न देखिए, रचनात्मक वाद कह रहा है कि रचनात्मक वाद सिद्धांत, रचनात्मक वाद सिद्धांत चमिस है, फिर इसके बाद कह रहा है कि भाषा शिक्षार्थी वर्तते मतलब शिक्षार्थी यानी भाषा का शिक्षार्थी ज्ञान का क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ज्ञान का क्या कर रहा है शिक्षार्थी वर्तते ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, तो ज्ञान पुनः प्रस्तुतिकरण कर रहा है या फिर क्या रहा है ज्ञान ग्रहण कर रहा है या फिर ज्ञान निर्माण कर रहा है या फिर शिक्षक को अनुसरण कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, जल्दी से 11 का कमेंट कर। जी एकदम राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, इसका देखिए क्या है हमारा कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र अनुसार प्रथम भाषा भवते यानी कह रहा है कि त्रिभाषा याद देखिए क्या कहा है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा क्या है, तो पहला कह रहा है कि आलंग भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, मातृ अथवा प्रांतीय भाषा,
हिंदी भाषा। तो आप ये भी बताइए कि आप जिस भाषा में रहते हैं तो उसका उपयोग अगर आप करते हैं तो वो क्या होगा। मान लीजिए आप पहली बार कक्षा में गए, प्राथमिक विद्यालय में आप पहले अपनी भाषा सीख चुके हैं और विद्यालय में जैसे ही प्रवेश किए तो आपकी भाषा क्या होगी, अलंकारिक होगी, आधुनिक भारतीय भाषा होगी, द्वि हिंदी द्विभाषा होगी या फिर कह रहा है कि मातृभाषा। जी एकदम राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, मातृ अथवा प्रांतीय भाषा, जिस भाषा में आप हैं, जिस वातावरण में हैं वो भाषा और आपकी मातृभाषा जो आपके घर में बोली जा रही है, जो आपके माता पिता बोलते तो ही होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे पूछा है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, यानी तीसरी भाषा के सूत्रीय तीन सूत्री भाषा के अनुसार भाषा का प्रथम भाषा यानी इसका प्रथम भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जहाँ पर माता पिता बोलते हैं वो भाषा और माता पिता की खुद की भाषा, तो राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, सॉरी 13वें प्रश्न पे, प्रत्येक भाषाया ब्रिष्ट दिनयाम संरचना शब्दावली च संति भाषा एवं विविध वैश्विक यहाँ पे वैशिष्ट्यम सूचनीत यत। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है कि भाषा प्रजाति विशिष्टता वर्तते, दूसरा करा कि भाष दृष्टि सिच्ची वर्तते, तीसरा करा कि भाषा क कौशल्यम विषय यहाँ पे करा वर्तते, तीसरा करा कि भाषा एका व्यवस्था वर्तने, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से कमेंट करिए। तो जी 13 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए इसका, प्रत्येक भाषा की यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनियां और शब्दावलियां संरचना होती है, ठीक है, एवं विशिष्ट सूचना इधत्ती, ठीक है, होती है। यह भाषा की विशिष्टता किस पे करती है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो कहा कि प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनियां और शब्दावलियां और संरचना होती है, यह भाषा की क्या है, तो जल्दी से बताइए। इसका पहला कह रहा है कि भाषा यहाँ पे प्रजाति विशिष्ट वर्तते, दूसरा कह रहा है कि भाषा यक्षित वर्तते, तीसरा कह रहा है कि भाषा एक कौशल वर्तते, चौथा कह रहा है कि भाषा एक वर्तते अर्थते। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। 13 प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया था प्रीवियस के संस्कृत के जो पेपर थे यहाँ पे, उसके 13 प्रश्न रखे गए थे जिसमें से आप लोगों को सही करना है। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और देखिए जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शेयर भी कर दीजिए, आप लोगों के पास व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है जल्दी से ले लीजिए, जिनको भी चाहिए उत्तर नीचे दिया गया है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे 13 का कि उत्तर क्या होगा, प्रत्येक भाषा विशिष्ट संरचना और शब्दावली की होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा जल्दी से, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।